नमस्कार दोस्तों हेलो गाइस कैसे हो सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले व्हाट इज माई स्किल ट्रिगर सो ट्रिगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है माई स्किल में तो इस वीडियो को स्किप मत करना इस वीडियो को पूरा जरूर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट दिस इज वेलकम टू पी गुरु सो वॉट इज ट्रिगर सो ट्रिगर क्या है

करना है ठीक है और वो हर बार होना चाहिए आप क्या कर सकते हो एक ट्रिगर बना के रख सकते हो जैसे ही कोई इंसर्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ट्रिगर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा ठीक है इसका आप में एक को यूज़ कर दिखाता हूँ ठीक है यहाँ पे आते हैं ठीक है देखो हमारे पास एक सैलरीज नाम का टेबल है ठीक है यहाँ पे देखो हमारे पास सैलरीज नाम का टेबल है जिसमें वन जीरो जीरो ज़ीरो वन नाम के एम्प्लॉय नंबर के एम्प्लॉय की सैलरीज हमारे पास यहाँ पर मेशड है ठीक है सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक नया वैल्यू एक नई वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो यहाँ पे एक माइनस वैल्यू आ रही है ठीक है तो किसी बंदे की वैल्यू माइनस हो सकती है क्या नहीं ना तो यहाँ पर हम एक ट्रेगर लगा सकते हैं कि अगर सैलरी निगेटिव है तो वहाँ पर ज़ीरो पुट कर दो ऐसा हम ट्रिगर बना के रख सकते हैं मतलब कि जैसे ये इंसर्ट क्यूरेशन होगी उससे पहले वो ट्रिगर रन होगा एंड अगर ये सैलरी नेगेटिव में होगी तो वहाँ पे वो इस जगह पे जीरो पुट कर देगा राइट right. समझ में आ रहा है व्हाट इज ट्रिगर अगर आप कोई डी स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हो और अगर आपको कुछ टास्क परफॉर्म करना है उसके पहले या फिर उसके बाद तो आप ट्रिगर यूज़ कर सकते हो ठीक है ट्रिगर कैसे तैयार करते हैं वो आगे देखेंगे समझ में आ रहा है यूज़ किसके ओके okay, देखो यहाँ पे वही एग्जांपल मैंने लिया है जो मैंने अभी आपको समझाया था ठीक है अगर आप कोई नई सैलरी इंसर्ट कर रहे हो ठीक है तो वहां पे अगर सैलरी लेस देन जीरो है अगर निगेटिव हुए तो वहाँ पे न्यू सैलरी इजिक्वल टू जीरो कर दो यहाँ पे दो टर्म्स हैं न्यू एंड ओल्ड अब ठीक है देखो अगर आप कोई आ, नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो राइट इंसर्ट कर रहे हो तो वहां पे जो नई वैल्यू होगी वही होगी राइट तो वहाँ पे न्यू क्यूर्ड आएगा राइट एंड अगर आप कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में कोई वैल्यू अपडेट कर रहे हो तो वहां पर दो वैल्यूज होगी राइट पहली तो होगी जो ओल्ड वैल्यू होगी एंड उसके बाद जो हम नई वैल्यू डाल रहे होंगे वो होगी न्यू वैल्यू तो पुरानी वैल्यू को जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसको हम कहेंगे ओल्ड राइट एंड जो न्यू वैल्यू हम डाल रहे होंगे उस टाइम कहेंगे न्यू ठीक है ओल्ड एंड न्यू ये समझ में आ रहा है ओके okay, तो आगे बढ़ते हैं अगर आपने कोई रिकॉर्ड में सैलरी लेस देन जीरो डाल दी तो जो सैलरी है वो ज़ीरो सेट कर दो जो नई सैलरी होगी ना उसको जीरो सेट कर दो राइट तो ये कैसे होगा यहाँ पर मैंने डायरेक्टली एग्जांपल ही रिखा है ठीक है अगर मैं आपको इसका सिंटेक्स दिखाई लग जाऊँगा तो आप थोड़े कंफ्यूज़ हो सकते हो ठीक है तो सबसे पहले तो आएगा डेलीमीटर यहाँ पे मैं ये डालूंगा डबल डॉलर सिंबल जो मैं डाल भूल गया था ओके तो यहाँ पे मैं एक नया डेली मीटर तैयार कर दूंगा राइट उसके बाद क्रिएट सेटमेंट उसके बाद ट्रिगर की वर्ड क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रिगर क्रिएट करना है इसलिए राइट उसके बाद बिफोर सैलरी इंसर्ट मतलब कि ये मैंने नाम लिखा है बेसिकली ट्रिगर के लिए आप कुछ भी नाम से दे सकते हो राइट मैंने यहाँ पे बिफोर सैलरी इंसर्ट ये नाम दे दिया इस ट्रिगर को राइट उसके बाद बिफोर इंसर्ट ऑन सैलरीज बिफोर मतलब कि जब भी इंसर्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा उसके पहले स्टिगर को एग्जूट कर लो राइट ओके बिफोर इंसर्ट ऑन आपके टेबल का नाम जो यहाँ पे सैलरीज ओके okay. उसके बाद फोर ईच रो मतलब कि हर रोग के लिए काम करेंगे राइट right. हर रोग के लिए ये चेक होगा ओके okay. आगे बढ़ते उसके बाद बिगिन एंड एड इसके अंदर आएगा आपका कोड आप जो भी कोड लिखना चाहते हो वो इस बिगे एंड ब्लॉक के अंदर आ जाएगा ठीक है इफ़ न्यू सैलरी इज लेस देन देन सेट न्यू सैलरी इज इक्वल टू जीरो मतलब कि अगर निगेटिव एटी थाउजेंड है तो वो न्यू सैलरी जीरो सेट कर देगा राइट डेट सेट उसके बाद एंड इफ ओके ये एक इफेल स्टेटमेंट बन गया राइट right, जो हमने देखा था सी प्लस प्लस में ये अगर आपको इफ़ ए स्टेटमेंट डालना है माए स्किल में तो आप ऐसे जा सकते हो इफ़ आपकी कंडीशन देन सेट इज इक्वल टू न्यू वैल्यू राइट बहुत आसान है बहुत आसान है ठीक है उसके बाद एंड यानी कि आपका जो ट्रिगर है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है अपडेट के बारे में हम आगे बात करेंगे अभी हम बात कर रहे हैं सेट के बारे में ठीक है तो इसको ना एक बार रन करके देख लेते हैं कि कैसे होगा ठीक है मैं यहाँ पे एक बनाऊँगा ट्रिगर ओके तो सबसे पहले तो मैं बनाऊँगा डेली ओके डबल डॉलर सिंबल ओके अब आते हैं नीचे और मैं आप यहाँ पे करूंगा क्रिएट और ट्रिगर ओके इसके बाद ट्रिगर का नाम जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ बिफोर सैलरी इंसर्ट ओके okay, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया बिफोर सैलरी इंसर्ट ओके इसके बाद हम नीचे आएंगे और लगाएंगे बिफोर ओके okay? मतलब कि यहाँ पे हम बिफोर एंड आफ्टर लगा रहे होंगे मतलब कि इंसर्ट के पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए ये और ट्रिगर या फिर बाद में ठीक है तो मैं यहाँ पे बिफोर डाल रहा हूँ तो ये जो ट्रिगर है वो इंसर्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के पहले एग्जीक्यूट होगा ठीक है उसके बाद इंसर्ट क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डेमेट स्टेटमेंट है वो इंसर्ट उसके बाद ऑन आपके टेबल का नाम जो है यहाँ पे सैलरीज ओके okay. उसके बाद हम आएँगे नीचे यहाँ पे हम करेंगे फॉर एच प्रो ओके okay. और आएँगे नीचे और यहाँ पे होगा बिगिन इसके बाद एंड एंड यहाँ पे डबल डॉलर सिंबल ओके अब इसके अंदर हम डाल रहे होंगे कोड को ठीक है मतलब कि हम डालेंगे इफ़ की कंडीशन ओके इफ न्यू डॉट सैलरी अगर है लेस देन जीरो ओके देन सेट न्यू डॉट सैलरी इज इक्वल टू ज़ीरो ओके तो इसके बाद हम डाल रहे होंगे एंड इफ़ ओके तो आप मैं क्या करता हूँ इस ट्रिगर को रन कर लेता हूँ ठीक है ये कि ट्रिगर रन हो चुका है फिर अगर आप देखने कि जो ट्रिगर है आपका वो क्रिएट हो चुका है या फिर नहीं तो उसकी माज में यहाँ पे रिफ्रेश करो तो यहाँ पर आओ टेबल्स के अंदर एंड ये आप सैलरीज टेबल है ना उसके बाद जो आई बटन है उसके ऊपर क्लिक कर दो ठीक है यहाँ पे आएगा ट्रिगर्स का ऑप्शन तो यहाँ पे देखो बिफोर इंसर्ट बिफोर सैलरी इंसर्ट ये ट्रिगर क्रिएट हो चुका है ठीक है अब अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करने की कोशिश करूँ एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि सैलरी टेबल में कौन कौन से रिकॉर्ड है ठीक है यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स है बट कोई भी निगेटिव रिकॉर्ड नहीं है राइट यहाँ पर जो आखिरी रिकॉर्ड है ना वो यहाँ पर आपको ठीक है कि यहाँ पर कोई भी निगेटिव रिकॉर्ड नहीं है ठीक है अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे इंसर्ट करूँगा निगेटिव सैलरी को देखते हैं क्या होगा यहाँ पे इसको इंसर्ट करता हूँ ठीक है ये एरर आ रहा है क्यों एर आ रहा है ओके मैं यहाँ पे करता हूँ टू ज़ीरो वन टेन एंड मैं यहाँ पे करता हूँ टू ज़ीरो इलेवन ओके आप इसको रन कर लेते हैं ठीक है अभी क्यूरियन हो जुट मतलब कि इसके अंदर यूनिक वैल्यूज ही आ सकती है डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आ सकती राइट तो देखो यहाँ पर मैंने निगेटिव सैलरी इंसर्ट करी है तो जो आखिरी रिकॉर्ड है वो निगेटिव नहीं आना चाहिए वो ज़ीरो आना चाहिए तो मैं यहाँ पे अगेन सिलेक्ट शक्ट को रन कर लेता हूँ तो देखो यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है ठीक है जहाँ की मैंने डाला था माइनस एटी एट थाउजेंड राइट तो ये जो ट्रिगर है ना इसने अपना काम कर दिया इसने क्या किया जो नई सैलरी हमने डाली है वो है निगेटिव तो इसने क्या कर दिया निगेटिव सैलरी के बदले ज़ीरो पुट कर दिया राइट समझ में आ रहे बहुत ही आसान है ठीक है हमने अभी बात की सिर्फ इंसर्ट के लिए अब बात कर लेते हैं अपडेट के लिए ठीक है so सो अगर मुझे अपडेट के लिए कोई ट्रिगर लिखना है ठीक है सपोज कि मुझे यहाँ पे अपडेट करनी है सैलरीज जहाँ पे एम्प्लॉय नंबर वन जीरो ज़ीरो जीरो वन है एंड जो फ्रॉम डेट है वो है टू ज़ीरो वन ज़ीरो जीरो सिक्स ट्वेंटी टू बट एक बार मैं ये करता हूँ अपडेट लिख लेता हूँ ठीक है मैं इसी क्यूरी को अल्ट्रा करता हूँ क्रिएट ट्रिगर मैं यहाँ पे करता हूँ बिफोर सैलरी मैं यहाँ पे करता हूँ अपडेट ठीक है बिफोर यहाँ पे आएगा अपडेट अपडेट ओके उसके बाद आ, इसके अंदर में आऊँगा एंड अगर न्यू सैलरी है लेस देन जीरो देन सेट न्यू सैलरी इज इक्वल टू नॉट जीरो इज इक्वल टू ओल्ड सैलरी ओल्ड डॉट सैलरी मतलब कि देखो यहाँ पे हमारे पास जो पहले की सैलरी है ना उसी को रख दो मतलब कि अगर नई सैलरी लेस देन ज़ीरो है अगर नेगेटिव में है तो पुरानी सैलरी है ना वही रख दो यहाँ पे हम रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं ठीक है थीके? तो वहाँ पे जो ओल्ड सैलरी वो वहाँ पे होगी होगी राइट तो अगर सैलरी न्यू सैलरी लेस देन ज़ीरो है ओके okay, मैं यहाँ पे ना जीरो जीरो थ्री रखता हूँ ठीक है सो अभी इस रन कर लेते हैं ठीक है मैं आता हूँ नीचे और यहाँ पर देखो नाइन्टी एट थाउजेंड चेंज हो चुका है यहाँ पर देखो टू ज़ीरो ज़ीरो थ्री है ओके सो अगर मैं यहाँ पर करूँ माइनस नाइन्टी एट थाउजेंड तो क्या होगा वो भी एक बार देख लेते हैं इसको मैं आगे रन कर लेता हूँ ठीक है अब आते हैं नीचे और देखते हैं क्या हो चुका है देखो जो पुरानी सैलरी है ना वही यहाँ पर रह रही है ये सैलरी अपडेट नहीं हो रही है क्यों क्योंकि हमने जो ट्रिगर बनाया था ना अपडेट वाला ठीक है हमने जो ट्रिगर बनाया था अपडेट वाला तो वहाँ पे क्या है न्यू सैलरी अगर लेस देन जीरो तो न्यू सैलरी इज इक्वल टू तो ओल्ड सैलरी डाल दो ठीक है दैट्स इट तो यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ एरर आ रहा है डुप्लीकेट एंट्री के लिए ठीक है बात को इग्नोर करो ठीक है बात को समझो कि क्या हो रहा है यहाँ पे अगर आपको इंसर्ट या फिर आ, अपडेट स्टेटमेंट के पहले एग्जिट होने से पहले कुछ टास्क परफॉर्म करने तो वहाँ पर आप ट्रिगर का यूज़ कर सकते हो ट्रिगर क्या है कि शोर्ट प्रोसीजर जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब आप इंसर्ट या अपडेट या फिर डिलीट का यूज़ करते हो डिलीट के बाद तो आपको जरूरत है भी नहीं उसकी ठीक है बट जब आप अपडेट या फिर इंसर्ट करते हो तो वहाँ पे आपको ट्रिगर की ज़रूरत पड़ सकती है एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ सपोज करो कि आप आपके रिकॉर्ड में नेम से राइट आ, स्ट्रिंग वैल्यू है सो अगर आप चाहते हो कि जब भी आप वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो चाहे वो किसी भी तो फॉरवर्ड में हो वो लोअर केस में हो वो अपर केस में हो वो अपर केस में ही कन्वर्ट हो तो वहाँ पर आप ट्रिगर लगा सकते हो एंड उस स्ट्रिंग को अपर केस में अपडेट कर सकते हो राइट सो दैट्स इट फॉर टू आज के वीडियो में हमने बात की बिफोर ट्रिगर कैसे यूज करते हैं राइट तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे आफ्टर कैसे यूज करते हैं मतलब कि ट्रिगर इनसेट स्टेटमेंट या फिर अपडेट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद कैसे रन होगा कैसे वो काम करेगा उसके बारे में सो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मुझे पता है कि यहाँ पे एरर आ रहा है क्यों क्योंकि यहाँ डुप्लीकेट एंट्री मैंने जल्दबाजी में डाल दी थी तो यहाँ पे ध्यान दो कंसेप्ट के ऊपर ना कि मेरे एरर्स के ऊपर ठीक है so, सो अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो एंड मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत बोलना तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए हैव गट एंड बाय